चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमां। मुझे पत्थर तो ना समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमां। मुझे पत्थर तो ना समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला थी यार। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जा। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला थी यार। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जा। मैं इसका परफॉर्मेंस जो था ना, एकदम जंगली परफॉर्मेंस था। देखना कैसे लोग एंजॉय कर रहा था। फैंटास्टिक। और ये खास तौर से श्रेया आपके लिए, क्यों आपने आई थिंक पिछली बार कहा था उनको। मैंने कह तो दिया था बट मुझे नहीं लगा था आप सच में कुछ ऐसा करने वाले हो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। रफी साहब और शमी कपूर जी का वो जो मैडनेस है इस गाने में, उसको आपने ना केवल गायकी में बट एक्टिंग में भी लाए। इस कोशिश के लिए तो सच में क्या बात। आपने आग लगा दिया स्टेज पे। मैं एक और धमाका है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो अपने दिल को संभाल के रखिएगा। वो देखिए, ओहो, अरे वाह, ओ ओहो। इफ लुक्स कैन किल। ये एक जमाने में हमारे लक्ष्मण प्रसाद लकी भी हुआ करते थे। छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना।
तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना ढूंढना वे तेरे नाले जिंदड़ी बितावा कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना अंतरा था ना इस गाने में वाज स्टनिंग तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना ढूंढना वे तेरे नाले जिंदड़ी बितावा जैसे वो अंतरा के ऊपर के नोट्स गए आवाज खुली फिर भी इतनी स्मूथ यू हैव दैट क्वालिटी अबाउट यू सो फैबुलस थैंक यू सो मच क्या है कि बॉम्ब जब फटता है तो धमाका होता है ना तो ये इंडियन आइडल का बॉम्ब है बहुत अच्छा गाया तुमने थैंक यू सर एंड टोनल क्वालिटी एंड योर एक्सप्रेशन वॉइस आर फैंटास्टिक थैंक यू सर गॉड ब्लेस यू ओबम मैं जब आपकी आवाज को सुनता हूँ मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें आप लेते हो इतने सॉफ्टली लेते हो एंड आपकी जो एक आवाज़ है वो ऐसे लगती है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए रेडी है स्टूडियो सिंगिंग के लिए रेडी है थैंक यू सो मच सर थैंक यू और मैं एक्चुअली आज तुम्हारा फैन हो गया थैंक यू सो मच सर वाह 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 दिवाली फैमिली वाली में अब बारी हमारे अगले गेस्ट की सो प्लीज वेलकम बेशरम रंग घुंघरू टूट गए खुदा जाने मन मर्जिया तेरे हवाले जैसे चार्ट बस्टर गानों की Blockbuster singer, Filmfare Award winner. Everyone, put your hands together. Shilpa Rao. Welcome to Indian Idol. This is so patakedar to be here, actually. Great to see everyone here, यार मुझसे ज़्यादा तो मेरे घर पे सब फैंस हैं इनके बहुत बड़े तगड़े फैंस हैं मेरे मॉम डैड अभी भी बोलते हैं तो बचपन में ऐसे गा लिया होता तो और भी अच्छा होता ना but I'm really looking forward to hearing all you lovely people yeah seriously how sweet is that how sweet so Diwali family wali में presenting कोलकाता की उम्मीद शुभदीप दास चौधरी मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए देखी करा एक बार
उड़ जाऊं तेरे कारवा में शामिल होना चाहूं दुनिया तलाश के मैं काबिल होना चाहूं वे की करा वे की करा धमाकेदार धमाकेदार पावर दिखाया एनर्जी दिखाया और साथ में गाने से हिला नहीं फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इसको बोलता है दीपावली के धमाकेदार पटाखा चुबो आप जहां तक मैं जानता हूं आप तो क्लासिकल सिंगर हो आपकी ट्रेनिंग आपकी सारी हस्ती क्लासिकल म्यूजिक में बेस्ड है फिर आप यहाँ पे आके ऐसे मतलब तोड़ताड़ वाले गाने ऐसे परफॉर्म कर रहे हो जैसे ये आपका घर है तो आप डिसाइड कर लो यार कितने घर लोगे मुझे लगता है शुभदीप जैसा आर्टिस्ट अपने घराने बनाता है ऐसे परफॉर्मेंस दोगे तो अपने आप एक शुभदीप घराना बन जाएगा आज का परफॉर्मेंस ना ऐसा लगा कि शुभदीप ने सब कुछ दांव पे लगा दिया एग्जैक्टली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू शुभदीप यू आर एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट ये परफॉर्मेंस जो था इससे ज्यादा लिट था थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दोस्तों एक बार परिवार से दूर होकर दिवाली की मिठाई खाकर तो देखो तब आपको एहसास होगा कि असली मिठास उन मिठाइयों में है ही नहीं परिवार के साथ होने में है और हमारी अगली सिंगर मुस्कान के परिवार ने न जाने कितनी दिवाली अलग होकर मनाई लेकिन इंडियन आइडल के मंच ने अब उनमें एक उम्मीद जगाई है कि बहुत जल्द जश्न होगा खुशहाली होगी और जब पूरा परिवार एक साथ आएगा तो हर दिन ही दिवाली होगी तो दिवाली फैमिली वाली में प्रेजेंटिंग परिवार की मुस्कान म्यूजिक का वरदान एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुस्कान श्रीवास्तव नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई क्या बात दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई जो जगने
गाने जो गाए हैं संजय लीला भंसाली सर के लिए, उसमें से ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है। तुम्हारी जो आवाज़ है ना, इस आवाज़ में ही एक मुस्कान भी है, और जो इस गाने में ज़रूरी था ना, एक रोमांस तो है, एक नशा भी है, एक एटीट्यूड भी चाहिए इस गाने में, क्योंकि प्यार का ऐलान है लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो ऐलान किया जा रहा है। तो वो तुम अंतरे में इतना जबरदस्त लाई ना, मैं बहुत खुश हो गई। और ऐसी ऐसी जगह ली है तुमने, छोटी छोटी जगह है। क्या कमाल कर गई तुम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे हिसाब से ना ये परफॉर्मेंस रियली वाज एक हाई फाई शबाशी वाली परफॉर्मेंस थी। आई वांट टू गिव यू अ हग, प्लीज कम हियर। Muskan, you were excellent. You're Thank par you. Excellent today. Thank you. This is the best Diwali gift for me. I'm sitting here and listening to great Thank you so much, music. Man. Yeah, Thank yeah. इस गाने की जो original गायिका हैं, she's a demon in human form. That's so sweet. You're too kind. आपने genuinely बहुत बेहतरीन गाया। अंतरे की शुरुआत जब आपने की तो मेरे it's such a lovely straight note की ऐसे कांच की तरह कटता है वो। श्रेया हो जाए दुलाई। जख्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई। वाह। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। वाह वाह। जो जगने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहां थी मैं देखो कहां चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो मुस्कान, आप दिवाली कैसे मनाते हो? और आप इस बार शायद आई एम श्योर आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। सुबह ही हमारी शुरू होती है मम्मी के खाने से। इतना टेस्टी खाना बनाती है उस दिन। उनकी हाथ की स्पेशल एक गुजिया है और वो इतना टेस्टी होता है कि आप खाओगे तो आप चार पांच छह खाते रह जाओगे, इतना टेस्टी होता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, बट उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी है और मुंह खुला रखना है बड़ा सा। आंखें बंद, कुछ नहीं दिख रहा ना? आया आया बुझी आया, बुझी आया, और गुजिया आया, गुजिया आया। अरे बड़ा वाला टेस्टी है कि नहीं? अच्छा अब आंखें खोलो।
नहीं नक्स ना ही साया कुछ नहीं तेरे बिना है मेरा कुछ नहीं मैम ये मेरी बहन है छोटी बहन हम इसे प्यार से गुनगुन बोलते हैं हाय गुनगुन और ये मेरा भाई है छोटा भाई शाश्वत यार आप दोनों का स्वागत है इंडियन आइडल के मंच पे एक बार उनके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं हाय गुनगुन बड़ी क्यूट हो आप हेलो आपको कैसा लगा दीदी से मिलके अच्छा लग रहा है बहुत ही ज्यादा हम बता नहीं सकते हम कितने लकी हैं कि मुस्कान दीदी हमारी बहन है हम उनको बहुत मिस कर रहे थे जब वो यहाँ आ गई थी क्योंकि यही है जो हमारी प्रॉब्लम नॉर्मली हमेशा सॉल्व कर देती हैं इनको बताना नहीं पड़ता हमें क्या हुआ है इनको वैसे ही पता चल जाता है दादा बेशरम रंग बेशरम रंग जो गाना है जो गाना है दादा इत्तेफाक देखिए गाने के कंपोजर गाने के सिंगर सब एक जगह पे है आ जाओ एवरीवन विशाल दडलानी एंड शिल्पा राव ऑन बेशरम रंग अब हमारे शो का वो वक्त आ गया है जो मैं पसंद तो नहीं है लेकिन करना बहुत जरूरी है इंडियन आइडल सीजन 14 का हमारा पहला एलिमिनेशन विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट जजेस के स्कोर्स के हिसाब से जो बॉटम थ्री में है आधिया मिश्रा ओबोम टंग तीसरा नाम गायत्री सो कंग्रेचुलेशंस आप सब लोग इस हफ्ते सेफ्टी जोन में हैं और आपके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस ने आपको एलिमिनेशन से सेफ रखा जनता के वोट्स हमारे पास आ चुके हैं इट्स रिजल्ट टाइम जनता के वोट्स के हिसाब से वो पहला नाम जो सेफ है वो है आधिया मिश्रा जनता के वोट्स ने आधिया मिश्रा को तो बचा लिया है अब हमारे पास दो सिंगर्स हैं यहां पर गायत्री ओबोम जो कंटेस्टेंट सेफ है वो नाम है ओबोम For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.